प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश ने की जनसभा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कस्बे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा प्रत्याशी को वोट देकर चुनाव जिताने की अपील की। रसूलाबाद कस्बे में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी यदुनाथ संखवार के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि अब कचरे के साथ साथ भाजपा भी साफ होगी। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली से चला पैसा यहाँ के अधिकारियों और बीजेपी ने लूट लिया। उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई के नाम पर कितना बजट जारी हुआ, लेकिन आज तक गंदे नाले गंगा में गिर रहे, उन्हें भी बंद नहीं किया जा सका। साथ ही कहा कि खेत की पैदावार को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य जानवरों को नहीं बंद कराया गया, इससे प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। नगर इकाई चुनाव में प्रदेश की जनता सपा पर विश्वास, सपा के पक्ष में जना तीस दे रही। इससे पहले सपा नेता हाजी फैजान खान तथा प्रत्याशी दुनाव संखवान ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे तथा भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं कार्यक्रम में भूतपूर्व विधायक कमलेश चंद्र दिवाकर, हाजी फैजान खान, जिला पंचायत अंकित यादव, नीलम कठेरिया, सनी यादव, परवीन यादव, दीपू यादव, गोलू यादव, चांद बाबू, निर्देश यादव, अरुण यादव, गोपाल गुप्ता, ओम प्रकाश पाल, विजय गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से संवाददाता पवन शुक्ला की रिपोर्ट।